टीम इंडिया ने अपने घर में वेस्टइंडीज को बुरी तरह मात दी। पहले टेस्ट सीरीज 2-0 से जीती, फिर वनडे श्रृंखला 3-1 से अपने नाम की। बीते रविवार को तीसरे मुकाबले में 6 विकेट से फतह हासिल कर भारत ने T20 सीरीज 3-0 से कब्जा कर लिया। अब ब्लू ब्रिगेड का अगला लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा। दौरे की शुरुआत इस साल 21 नवंबर से होगी। इस दौरान भारत को T20 टेस्ट और ODI सीरीज खेलनी होगी। ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत गाबा में T20 से होगी। 3 T20 सीरीज का शेड्यूल, जिसके बाद 6 दिसंबर से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। पहला मैच एडलेड ओवल में खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट पर्थ, तीसरा मेलबर्न और आखिरी मैच जनवरी में सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे का अंत वनडे सीरीज के साथ होगा। शेड्यूल 21 नवंबर ब्रिस्बेन में पहला T20 दोपहर 1:20 को, 23 नवंबर मेलबर्न में दूसरा T20 2:20 को, 25 नवंबर सिडनी में तीसरा T20 दोपहर 2:20 को। 4 टेस्ट मैच सीरीज का शेड्यूल, 6 से 10 तारीख दिसंबर तक एडलेड में पहला टेस्ट सुबह 6:30 बजे, 14 तारीख से 18 दिसंबर पर्थ में दूसरा टेस्ट सुबह 7:50, 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मेलबर्न में तीसरा टेस्ट सुबह 6 बजे, 3 जनवरी से 7 जनवरी सिडनी में चौथा टेस्ट सुबह 6 बजे। 3 वनडे सीरीज का शेड्यूल, 12 जनवरी सिडनी में पहला वनडे सुबह 8:50, 15 जनवरी एडलेड में दूसरा वनडे सुबह 9:50, 18 जनवरी मेलबर्न में तीसरा वनडे सुबह 8:50। सारे मैच भारतीय समयानुसार। ये होंगी टीमें। भारतीय टीम विराट कोहली कप्तान, मुरली विजय, KL राहुल, पृथ्वी शॉ, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हेमा विहारी, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, पार्थिव पटेल, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार। विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा उपकप्तान, शिखर धवन, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, चहल, वाशिंगटन सुंदर, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव और खलील अहमद। TM News 24 की रिपोर्ट।